नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी और बाकियों को समन का आदेश डाल दिया है और कोर्ट ने मामले को अब 7 सितंबर को अब इसकी सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले अदालत ने इन आरोपियों को समन भेजने पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगोई ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद अभियोजन पक्ष की शिकायत यानी कि ईडी का आरोप पत्र पर आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। वहीं आपको बता दें कि ईडी ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत है। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपने मामले दायर किए। ईडी ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप डी की नियुक्तियों से संबंधित है। आपको बता दें कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए। मामले में सीबीआई ने विजय सिंगला समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में विजय सिंगला पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा है। वहीं आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले ही अपने हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए और आज लालू यादव और तेजस्वी यादव को लेकर यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले से बड़ी राहत दे दी है। और सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू और तेजस्वी और बाकी के खिलाफ जो समन का आदेश है उसे टाल दिया गया है और अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 7 सितंबर को होने वाली है। ईडी ने इस मामले में 6 अगस्त को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी और आज इसी को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई अब टल गई है और अब ये सुनवाई जो है आगामी 7 सितंबर को होगी। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत उनके कई करीबियों पर चार्जशीट दायर की गई है और अब इसको लेकर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो कि आज टल चुकी है। और इसी के साथ ही लालू परिवार सहित लालू यादव के जितने भी करीबी हैं जिन पर ये चार्जशीट दायर की गई थी, उनके लिए राहत भरी खबर है कि अब इस पर सुनवाई 7 सितंबर को की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।